शानदार 3 BHK का फ्लैट जो कि 90 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है, 100 स्क्वायर यार्ड से भी बड़ा इसका स्लैब एरिया है। आकाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी दोस्तों यहां से सिर्फ 700 या 800 मीटर के डिस्टेंस पर है। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं सुग्रीव शर्मा गुरु महादेव रियल एस्टेट में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज बात करेंगे एक 3 BHK फ्लैट की जो द्वारका से काफी नजदीक है, मेन द्वारका में। आप सब जानते हैं 3 BHK फ्लैट की कीमत 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ रुपए के बीच में है, लेकिन वहीं सिर्फ 500-700 मीटर के डिस्टेंस पर ये 3 BHK का फ्लैट विद लिफ्ट, विद कार पार्किंग, विद लोन, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम आपको दे सकते हैं काफी कम कीमत पर। ये फ्लैट दोस्तों काफी यूनिक है, डिफरेंट है, फ्रंट साइड का है, सामने 20 फीट की लेन है। इस बिल्डिंग में टोटल एक फ्लोर पर 4 यूनिट्स बनी हुई हैं, जिसमें 2 यूनिट 2 BHK की हैं और 2 यूनिट हमारी 3 BHK फ्लैट की हैं। और इस बिल्डिंग के अंदर आपको वो सारी की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जो आपको एक सोसाइटी के अंदर मिलती हैं। काफी बड़ी पार्किंग आपको यहाँ पर मिलती है। फ्रंट की बात करें तो रोड आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्डिंग की एलिवेशन की बात करें तो कंप्लीट बिल्डिंग की जो एलिवेशन है वो भी काफी अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है। फ्रंट काफी अच्छा होने की वजह से बिल्डिंग में बड़े बड़े गेट्स लगाए गए हैं जिससे आपकी गाड़ियां इजीली आप पार्क कर पाएंगे। इस बिल्डिंग में दोस्तों कुछ ही यूनिट्स अवेलेबल हैं और बाकी यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन ही सोल्ड आउट हो गई हैं। इनके अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं दिल्ली में अपना 3 BHK का फ्लैट बनाने के लिए तो आप विजिट कर सकते हैं। गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं दोस्तों, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और इंडिपेंडेंट हाउसेज के। कुछ भी आपको चाहिए हो तो गुरु महादेव से आपको मिल सकता है। चलिए बात करेंगे आपके इस 3 BHK फ्लैट की। इस फ्लैट को डिटेल में देखेंगे, समझेंगे कि कहां आपके बेडरूम्स हैं, कहां आपकी किचन है और किस तरह का फ्लैट आपके लिए तैयार किया गया है। ये दोस्तों आपकी पार्किंग है और पार्किंग काफी बड़ी है, वाइड है। 2 बड़े-बड़े गेट्स यहाँ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं लगभग 22 फीट के गेट यहाँ पर आपको मिलते हैं। कंप्लीट पार्किंग के अंदर जो फ्लोरिंग की गई है ये कोटा स्टोन की है, वाइट मार्बल की जो चिप्स हैं उसकी फिलिंग की गई है। आपके जो कॉलम्स हैं ये भी कवर किए गए हैं टाइल से और कंप्लीट पार्किंग में आपको जो टाइल वर्क है ये लगभग 6 फीट की हाइट तक देखने को मिलेगा। कंप्लीट सीलिंग का डिजाइन भी आपको यहाँ पर मिलता है, फॉल सीलिंग है, कॉब लाइट है, LED लाइट है और सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो काफी बड़ी पार्किंग है, इसमें आप चाहें तो अपना एक फंक्शन भी इजीली कर पाएंगे। यहाँ से आपका स्टेयरकेस रहेगा, पीछे की तरफ आपकी जो जितनी मोटर्स हैं वो आपकी लगेंगी। यहाँ आपका लिफ्ट का सेक्शन है और लिफ्ट आपके दोस्तों बिल्कुल रेडी टू यूज है, आप देख सकते हैं जब आप आएंगे तो आपको बिल्कुल लिफ्ट रेडी मिलेगी। चलिए अब मैं आपको ले जाता हूँ आपके 3 BHK फ्लैट की तरफ और देखेंगे क्या कुछ खास है आपके इस शानदार फ्लैट में। जीने में भी आपको प्रॉपर टाइल वर्क मिलेगा, नीचे आपको लाइट्स मिलती है। ये आपकी कॉमन लॉबी है, इस कॉमन लॉबी में 2 फ्लैट इस तरफ हैं, 2 फ्लैट उस तरफ हैं। लिफ्ट से अगर आप ऊपर आते हैं या फिर जीने से ऊपर आते हैं तो अपने अपने फ्लैट्स में आप इजीली जा पाएंगे। यहां से एंट्री है आपके 3 BHK फ्लैट में, चलिए अंदर चलते हैं। ऐसे ही आप भी एंट्री करेंगे आपके 3 BHK फ्लैट में और अंदर एंट्री करने के बाद ये कंप्लीट लिविंग स्पेस आपको मिलता है। ये लिविंग स्पेस दोस्तों काफी बड़ा है, इसके कंप्लीट साइज आप देख पाएंगे लेआउट प्लान में। इनके से अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फ्लैट के लिए तो लेआउट प्लान के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपके लिविंग स्पेस की। तो आप देख पा रहे होंगे कि काफी बड़ा लिविंग स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर एल टाइप का सोफा आपके लिए ऑलरेडी प्लेस करके दिखाया हुआ है कि कितना स्पेस लगेगा और उसके बाद कितना स्पेस ओपन आपको मिलने वाला है। सेंटर टेबल भी हमने काफी बड़े साइज की लगाई है जिससे आपको आइडिया हो सके, लेकिन ये कंप्लीट पैसेज आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओपन आपको मिलता है एंट्री करने के बाद, जहां से आप अपने बाकी के बेडरूम्स के अंदर, आपके किचन के अंदर और आपके इस बेडरूम के अंदर या फिर कॉमन वॉशरूम के अंदर इजिली जा पाएंगे। जो कंप्लीट लेआउट है दोस्तों वो काफी अच्छा है क्योंकि बिल्डिंग का जो फ्रंट है वो काफी अच्छा होने की वजह से इस बिल्डिंग के अंदर, इस फ्लैट के अंदर आपको वेंटिलेशन की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, पूरी रोशनी आपको मिलेगी, स्टोरेज काफी अच्छी आपको इस फ्लैट में मिलने वाली है। 90 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर आपका ये फ्लैट है और अगर बात करें इसके कवर्ड एरिया की तो 100 स्क्वायर यार्ड से भी बड़ा इसका कवर्ड एरिया आपको मिलता है। और बड़ी बिल्डिंग में फ्लैट लेने के यही बेनिफिट होते हैं, जब मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, मल्टीपल फ्लैट्स होते हैं तो आपका जीना और लिफ्ट का जो स्पेस है वो कंबाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लैट के अंदर आपको स्पेस ज्यादा बड़ा नजर आता है। तो ये फ्लैट जब आप आएंगे तो आपको 100 स्क्वायर यार्ड से भी बड़ा फ्लैट आपको ये लगने वाला है। चलिए बात करते हैं आपके लिविंग स्पेस की। लिविंग स्पेस में या फिर पूरे फ्लैट में ही आप कह सकते हैं जो फ्लोरिंग इस्तेमाल की गई है ये लाइट बेज कलर की है, स्टोन फिनिश की टाइल है और हाई ग्लोस की टाइल से दोस्तों
हल्की सी आप सफाई करेंगे और ये फ्लैट बिल्कुल आपको क्लीन अप लगने वाला है। पीछे की वॉल पर इसी तरह से आपको डिजाइनर वर्क मिलेगा, बीच में आपको मोल्डिंग का वर्क मिलेगा और आपका जो वॉलपेपर का वर्क है वो भी इसमें आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपका एसी का पॉइंट है, आपको इंडोर एंड आउटडोर ही इंस्टॉल करना है। इसके अलावा सीलिंग की अगर बात करें तो कंप्लीट सीलिंग पर आप देख सकते हैं डबल लेयर की सीलिंग बनाई गई है, जिसमें आपको एलईडी लाइट, कॉब लाइट एंड प्रोफाइल लाइट तीनों ही मिलती हैं और बीच में बहुत प्यारा सा शैंडलियर भी हम आपको लगाकर देंगे। यहाँ पर आपका टीवी पैनल है, टीवी पैनल बड़े साइज का दिया गया है क्योंकि लिविंग स्पेस भी बड़ा है तो ऑब्वियसली टीवी भी आप बड़ा ही लगाएंगे। नीचे चार बड़ी बड़ी ड्रॉर्स आपको मिलती है, ओपन शेल्फ मिलती है और यहाँ पर आपको ग्लास वर्क भी देखने को मिलेगा। जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफी यूनिक है, आपको जरूर पसंद आएंगे। लिविंग स्पेस कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके, और उसके बाद बात करेंगे आपकी किचन के बारे में, क्योंकि लिविंग स्पेस के बाद हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमेशा ही किचन को देखना चाहते हैं, क्योंकि लिविंग स्पेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किचन ही रहता है। तो ये है आपकी शानदार किचन। इस किचन के अंदर न केवल आपको स्टोरेज काफी अच्छी मिलती है बल्कि इसकी जो लुक एंड फील है इस पर भी हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। लुक एंड फील भी आपकी किचन की काफी अच्छी आपको मिलने वाली है। जो साइज है वो काफी परफेक्ट है। लंबाई और चौड़ाई की मैं बात करूं तो लगभग 12 फीट लंबी आपकी किचन है और चौड़ाई की अगर बात करूं दोस्तों तो लगभग 7 फीट की आपकी किचन है। बाकी एग्जैक्ट फिगर आपको लेआउट में देखने को मिल जाएगी। इस कंप्लीट किचन के अंदर स्टार्टिंग में ही आपको आपकी पेंट्री मिल जाती है। पेंट्री आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रूफ हाइट तक की पेंट्री है, ग्लास फिटिंग के साथ आपको मिलती है। अंदर भी प्रॉपरली माइका लगाई गई है जिससे कि सफाई रखने में आपको इजी रहे। उसके बाद आपका सिंक है और यहाँ पर वर्ना कंपनी की हैवी फिटिंग्स आपको मिलती है। यहाँ ग्लास लगाया गया है जिससे कि पानी उस तरफ ना जाए। इसके अलावा ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म मिलता है आपकी वर्किंग के लिए। यहाँ पर जो स्टोन फिनिश नैनो पत्थर लगाया गया है डबल मोल्डिंग के साथ ये भी आपको पसंद आएगा। यहाँ पर स्विच एंड सॉकेट्स दिए गए हैं जिससे अपने इलेक्ट्रिकल आइटम आप इजीली इस्तेमाल कर सकें। एक उस तरफ है और एक पोर्शन दोस्तों इस तरफ दिया गया है। हिंदवेयर की चिमनी आपको मिलती है, प्रोफाइल लाइट्स आपको मिलती हैं जिससे कि पूरे प्लेटफॉर्म पर रोशनी रहे और आपको काम करना आपके लिए इजी रहे। यहाँ पर आपकी शॉफ्ट है, विंडो ओपन करेंगे तो प्रॉपर वेंटिलेशन भी आपको यहाँ से मिलता रहेगा। नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ आपको काफी स्टोरेज मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो बास्केट्स हैं वो आपको अलग अलग साइजेस की देखने को मिलेंगी, यानी कि सारा सामान आपकी कटलरीज और भी काफी कुछ जो आप रखना चाहें आपके किचन में इजीली रख पाएंगे। अपर सेक्शन में भी जो स्टोरेज है दोस्तों वो काफी आपको मिलती है। बीच में पार्टीशन दिया गया है जो कि रिमूवेबल है, इनकेस अगर आप हटाना चाहें तो उसे हटा भी सकते हैं। अंदर फैब्रिक वाली माइका मिलती है, ऊपर हमने आपको लाइट लगा कर दी है जिससे कि जब भी आप इसे ओपन करेंगे अंदर प्रॉपर रोशनी रहेगी, और हल्का सा पुश करेंगे इजिली क्लोज हो जाएंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक का इस्तेमाल किया गया है। सीलिंग की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं सीलिंग का डिजाइन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, इस किचन के अंदर ओवरऑल जो टाइल्स है वो सेम कलर की यूज की गई है। इवन इस वॉल को भी कंप्लीटली कवर किया गया है टाइल्स के साथ और बीच में ग्रूव दिए गए हैं दोस्तों जिससे कि लुक भी अच्छी लगे और आपको साफ सफाई रखने में भी काफी हेल्प मिले। तो आप देख सकते हैं काफी ओपन, काफी बड़ी, काफी मॉडुलर और फुल ऑफ स्टोरेज ये किचन आपको मिलने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि किचन आपको जरूर पसंद आएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जहां पर आपका लिविंग स्पेस आपने देखा, इस पोर्शन को इनकेस अगर आप चाहें तो अपने डाइनिंग स्पेस की तरह भी यूज कर सकते हैं। 4 सीटर या फिर 6 सीटर डाइनिंग टेबल आप यहां लगा पाएंगे और आपका सोफा उस तरफ जा सकता है क्योंकि वहां काफी स्पेस आपको मिल जाता है। इस तरह से आपको लिविंग स्पेस भी मिलेगा और आपको डाइनिंग स्पेस भी मिल सकता है आपके इस एरिया के अंदर, क्योंकि काफी बड़ा और काफी खुला ये एरिया आपको मिलता है। अब हम बात करेंगे आपके बेडरूम्स के बारे में। 3 बेडरूम इसमें आपको मिलने वाले हैं क्योंकि 3 BHK का फ्लैट है और तीनों ही बेडरूम दोस्तों बड़े हैं और काफी शानदार हैं। ये बेडरूम काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं साइज आपको आइडिया भी लग जाएगा। इस तरफ आपको शाफ्ट मिलती है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगा, उसके ऊपर आपको एसी की फिटिंग मिलती है। बेड 6x6 का फुल साइज बेड हमने यहाँ पर लगाया है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितना स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। बैक वॉल कंप्लीटली आपको डिजाइनर लुक के साथ मिलती है जिसमें लूअर वर्क भी आपको मिलेगा और साथ में जो वॉलपेपर का वर्क है वो भी आपको देखने को मिलेगा। सीलिंग का डिजाइन भी आपको यहाँ पर मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छी चीज इस बेडरूम के अंदर वॉल टू वॉल आपकी ये अलमीरा है। ये अलमीरा बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन भी की गई है, फुल ऑफ स्टोरेज है दोस्तों आपका ये फ्लैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ आपको ग्लास वर्क भी देखने को मिलेगा। अंदर प्रॉपरली प्रोफाइल लाइट लगाई गई है तो अपने कपड़े इजिली फोल्ड करके आप यहाँ पर रख पाएंगे या फिर एक को आप बुक शेल्फ की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में 2 बड़ी बड़ी ड्रॉर्स भी दी गई हैं, आप देख सकते हैं इसका साइज कितना कमाल का है। नीचे कंप्लीटली आपको बहुत सारी
जो ड्रॉर्स है वो दी गई है, अंदर आपको अलग से ड्रॉर दी गई है और डीप है काफी, बड़ी है काफी, तो बहुत स्टोरेज, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, सबके सब कपड़े दोस्तों आप इसमें इजिली रख पाएंगे। और ये पोर्शन भी इक्वल लुक देने के लिए यहां भी आपको ग्लास वर्क देखने को मिलेगा, तो यहां भी प्रॉपर अंदर जो प्रोफाइल लाइट है वो लगाई गई है, तो ये स्टोरेज भी आपके काफी काम आने वाली है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से गुरु महादेव व्हील सेट आपके लिए मकान बनाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये घर आपको बहुत पसंद आने वाला है। रेंज की अगर बात करें तो काफी रीजनेबल इसकी रेंज है, जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि इतने कम कीमत में भी क्या आपको इतना शानदार 3 BHK का फ्लैट मिल सकता है। चलिए बात करते हैं आपके कॉमन वॉशरूम की। तो ये है आपका कॉमन वॉशरूम जो न केवल बड़ा है दोस्तों, बल्कि लुक एंड फील अगेन आपको काफी शानदार मिलती है। शाफ्ट आपको मिलती है वेंटिलेशन के लिए, वॉल हैंगिंग कमोड यहाँ पर आपको मिलती है और जो कलर कॉम्बिनेशन है टाइल्स का ये काफी यूनिक आपको मिलता है। पेंसिल्स बीच में लगाई गई है गोल्डन कलर की, बेज कलर की प्रॉपरली टाइल्स है, वरना की हैवी फिटिंग आपको मिलती है और ये कंप्लीट एरिया दोस्तों आपको बेडिंग के लिए मिलता है, तो काफी बड़ा एरिया यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको आपका वॉश बेसिन मिलता है, नीचे आपको वैनिटी मिलती है और उसके ऊपर यहाँ पर आपके लिए अगेन स्टोरेज दी गई है, यानी कि मिरर है और मिरर के पीछे आपको यहाँ पर भी स्टोरेज मिल जाती है। काफी अच्छे तरीके से आपका वॉशरूम भी डिजाइन किया गया है। अब हम बात करेंगे आपके बाकी के 2 बेडरूम्स के बारे में और ये दोनों ही बेडरूम दोस्तों फ्रंट की तरफ है। ये अच्छी बात है क्योंकि वाइड फ्रंट होने की वजह से आपके बेडरूम्स फ्रंट की तरफ आ गए। ये आपका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम काफी बड़े साइज का है, 12 फीट बाय और ऑलमोस्ट 11 फीट का दोस्तों इसका साइज आपको मिलता है। इसमें भी आपको वार्डरोब दी गई है जो कि रूफ हाइट तक की है और नीचे 2 ड्रॉर्स भी यहां पर बनाई गई हैं। पीछे की वॉल आपको डिजाइनर मिलती है। यहां जो बेड का साइज है ये 5 फीट बाय और 6 फीट का है क्योंकि रूम इसी तरह का दोस्तों, तो इसी तरह से इसे डिजाइन किया गया है। बेड के उस तरफ आपको स्विच एंड सॉकेट भी दिए गए हैं जिससे कि इलेक्ट्रिकल आइटम आप इजिली चार्ज कर पाए। सीलिंग की बात करें तो सीलिंग भी काफी अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है और यहां पर मिलता है आपको आपका टीवी पैनल। टीवी पैनल के नीचे भी 3 ड्रॉर्स आपको मिलती हैं, कंप्लीट फिटिंग्स आपको मिलती हैं। आपको सिर्फ अपना टीवी लाकर यहां पर इंस्टॉल करना है और इस रूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए ये प्रॉपर विंडो आपको मिलती है। विंडो इसे लगाने के लिए स्पेस आपको मिलता है। यहां पर मॉस्किटो विंडो आपको मिलती है, बीच में सेफ्टी ग्रिल्स आपको मिलती है और उसके बाद आपकी जो ग्लास विंडो है वो भी आपको मिल जाती है और ये कंप्लीट ओपन स्पेस भी आपको मिलता है। इनकेस अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए यहाँ पर स्टडी टेबल लगा सकते हैं या फिर इनकेस अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो भी अपने लिए यहाँ पर कुछ स्पेस आप इजीली बना पाएंगे। चलिए बात करते हैं आपके सेकेंड वॉशरूम की, यानी कि आपके अटैच वॉशरूम की। ये वॉशरूम भी साइज के लिहाज से दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है और अगेन आपको डिफरेंट लुक एंड कंसेप्ट की जो टाइल्स हैं वो मिल जाती हैं। यहाँ पर भी हमने वॉल हैंगिंग कमोड इस्तेमाल की है और यहाँ पर भी जो बेथिंग एरिया है वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलता है और यहाँ पर आपको आपका वॉश बेसिन मिल जाता है और वेंटिलेशन के लिए ऊपर आपको विंडो भी दी गई है। और अब बात करेंगे आपके थर्ड बेडरूम की और ये थर्ड बेडरूम के साथ ही आपकी बालकनी का एक्सेस भी आपको मिलता है। ये है आपका थर्ड बेडरूम और थर्ड बेडरूम का साइज भी आप देख सकते हैं दोस्तों, 12 फीट से भी ज्यादा लंबाई आपको मिलती है और ऑलमोस्ट 10.5 फीट की चौड़ाई आपको मिलती है। यहाँ पर फुल साइज का बेड लगाया गया है, 6x6 का बेड है। पीछे की वॉल आपको डिजाइनर मिलने वाली है। सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हैं काफी शानदार है और बेड के ठीक सामने यहाँ पर भी आपको काफी डिफरेंट और यूनिक लुक का जो टीवी पैनल है वो हमने लगा कर दिया है। नीचे 2 ड्रॉर्स आपको मिलती है, ओपन शेल्फ आपको मिलती है और कंप्लीट फिटिंग भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। इस रूम में वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो लो हाइट विंडो है, यानी कि काफी बड़ी विंडो आपको मिल जाती है। विंडो एसी लगाने का प्रोविजन यहां पर भी आपको मिलता है और उसके साथ अगेन आपको मिल जाता है आपकी वार्डरोब जो कि काफी बड़ी है, रूफ हाइट तक की है और इस वार्डरोब के अंदर भी 2 जो ड्रॉर्स हैं अंदर मिलती हैं और 2 ड्रॉर्स आपको नीचे मिल जाती हैं। तो काफी यूनिक कंसेप्ट के साथ दोस्तों आपका ये घर डिजाइन किया गया है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको स्टोरेज की दिक्कत कभी भी यहां पर ना आए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं आपकी बालकनी। ये दोस्तों आपकी बालकनी है और बालकनी का साइज भी काफी सफिशिएंट आपको मिलता है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर सर्दियों में प्रॉपरली धूप आएगी आपके आपकी बालकनी में भी और आपके दोनों बेडरूम के अंदर भी। अगर बात करें आपके एलिवेशन की तो कंप्लीट एलिवेशन पर आपको स्टोन फिनिश की टाइल्स यहाँ पर दी गई है जो की डिजाइनर लुक के साथ है। ये आपका वॉशिंग एरिया है जिसे काफी वाइड रखा गया है, लगभग 4 फीट की चौड़ाई है और 5.5 फीट की इसकी लंबाई दी गई है, तो यानी कि बड़े साइज की वॉशिंग मशीन आप यहाँ पर रख पाएंगे। आपको टैब मिलता है और आपको पानी निकलने के लिए स्पेस भी यहाँ पर मिलता है। स्टील की रेलिंग, टफन ग्लास और सामने 20 फीट की
गली आपको मिलती है। तो ये थी दोस्तों आपकी बालकनी और ये था आपका शानदार 3 BHK का फ्लैट जो कि 90 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है, 100 स्क्वायर यार्ड से भी बड़ा इसका स्लैब एरिया है, मेन द्वारका से 500 या 700 मीटर के डिस्टेंस पर है, DPS स्कूल जो कि द्वारका सेक्टर 3 में है वो बिल्कुल नजदीक है, आकाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी दोस्तों यहां से सिर्फ 700 या 800 मीटर के डिस्टेंस पर है, मेन द्वारका भी यहां से सिर्फ 500-700 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि सारी की सारी सुविधाएं जो मेन द्वारका में सोसाइटी के लोगों को मिलती है वो सारी की सारी सुविधाएं आप अवेल कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लैट द्वारका से काफी नजदीक है। बच्चों के एडमिशन से लेकर हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर, इसके अलावा दोस्तों जो पार्क है उनकी फैसिलिटीज को लेकर सारी की सारी सुविधाएं आपको नियर बाय है, इस वजह से आप यहां पर इजीली अवेल कर पाएंगे। बात करते हैं कीमत की दोस्तों, तो 55 लाख रुपए की ऑन एन एवरेज कीमत इसकी आपको मिलती है, बाकी फाइनल रेट मिलेंगे आपको जब आप आएंगे ऑन टेबल फ्लैट देखने के बाद, एक एक कप चाय पियेंगे और साथ में इस फ्लैट की डील को फाइनल भी करेंगे। लेकिन दोस्तों गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे हमेशा ही याद रखिएगा कि कंपनी आपकी है, ये यूट्यूब चैनल आपका है। दोस्तों हम लोग सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर हैं, तो हमें फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें। जय भोलेनाथ।